नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही सिंपल हाउस प्लान का डिज़ाइन किया है, जिसका विड्थ हमने रखा है 34 फीट और लेंथ रखा है फ्रेंड्स 48 फीट। और इस प्लान में आपको मिलेंगे एक पोर्च एरिया और 4 बेडरूम, 1 सिटिंग एरिया, 1 हॉल एरिया मिलेगा फ्रेंड्स, और 1 स्टेयरकेस और 2 यहाँ पर आपको टॉयलेट प्लस बाथ मिलेगा और 1 किचन मिलेगा फ्रेंड्स। और जैसा कि आप इस प्लान में देख रहे हैं, आपको वेंटिलेशन का कहीं भी कमी नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर विंडो को यूज किया है फ्रेंड्स। और फर्स्ट फ्लोर पे जो हमने रेलिंग का यूज किया है, तो इसमें हमने ब्रिक मटेरियल और स्टेनलेस स्टील पाइप का यूज किया है फ्रेंड्स। और ग्राउंड फ्लोर में हमने डेकोरेशन पर्पस के लिए पॉट फ्लावर डाला है, और पोर्च एरिया में ही हमने स्टेयर केस का डिज़ाइन किया, ताकि आप इसके जरिए घर के अंदर इंटर हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसको प्लान में लेकर और बताते हैं इसका डायमेंशन। देख सकते हैं हम प्लान में आ गए हैं, तो प्लान का लुक कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। और जो हमने विंडो का एडजस्टमेंट किया है, तो आप इसका भी एलिवेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमने बहुत ही सिंपल ढंग से विंडो का एडजस्टमेंट किया, ताकि इस प्लान में वेंटिलेशन प्रॉपर ढंग से होता रहे। और फर्स्ट फ्लोर पे भी देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे बड़ा स्पेस आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि आप फैमिली के साथ आसानी से टाइम पास कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसको ग्राउंड फ्लोर के टॉप व्यू में लेकर और बताते हैं इसका डायमेंशन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर के टॉप व्यू में आ गए, तो टॉप व्यू का लुक कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। और जो घर के अंदर हमने फर्नीचर लगाया, तो उसका भी एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं। तो जो हमने पोर्च एरिया का डिज़ाइन किया है, तो इसका जो हमने विड्थ रखा है 15 फीट रखा है, और लेंथ रखा है फ्रेंड्स 9 फीट। और पोर्च एरिया के ही अंदर हमने स्टेयर केस का डिज़ाइन किया है, ताकि आप इसके जरिए सिटिंग एरिया में आ सके फ्रेंड्स। तो सिटिंग एरिया का जो हमने लेंथ रखा है 12 फीट रखा है, और विड्थ रखा है 10 फीट 3 इंच। और जो आप यहाँ पे 2 बेडरूम देख रहे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकेंड हमने फ्रंट में ही दिया है, और इसका जो हमने डोर को फिट किया, तो सिटिंग एरिया से ही हमने डोर को फिट किया, तो इसका भी जो लेंथ हमने रखा है 12 फीट रखा है, और लेंथ रखा है फ्रेंड्स 11 फीट, और दोनों का सेम डायमेंशन है। फिर आप जैसे ही आगे आते हैं, तो आप पहुँचते हैं यहाँ पर हॉल एरिया में, तो हॉल का जो हमने लेंथ रखा है फ्रेंड्स 14 फीट रखा है, और विड्थ रखा है 15 फीट। फिर आपको लेफ्ट साइड में स्टेयर केस मिलेगा, और राइट साइड में आपको यहाँ पे टॉयलेट प्लस बाथ मिलेगा फ्रेंड्स। तो जो हमने स्टेयर केस का डिज़ाइन किया है, तो इसका जो हमने लेंथ रखा है 10 फीट 6 इंच रखा है, और विड्थ रखा है 7 फीट 6 इंच। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको राइट साइड में जो टॉयलेट प्लस बाथ मिलेगा, तो 2 हमने डिज़ाइन किया है, तो 1 का जो लेंथ है 4 फीट 7 इंच है, और विड्थ है 8 फीट 8 इंच, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर स्पेस आपको मिलेगा। फिर आपको फ्रंट साइड में ही एक किचन मिल जाएगा, जो कि किचन के वॉल पे हमने यहाँ पे बेसिन वगैरह का एडजस्टमेंट किया है फ्रेंड्स, तो आप किचन का भी व्यू देख सकते हैं। और इसका जो साइज आपको मिलेगा, विड्थ में मिलेगा 10 फीट 3 इंच, और लेंथ में मिलेगा फ्रेंड्स 8 फीट 5 इंच। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड बेडरूम, तो थर्ड बेडरूम का जो साइज है फ्रेंड्स लेंथ में 13 फीट 3 इंच है, और विड्थ में है 11 फीट। और जो हमारा 4 बेडरूम है, 4, तो इसका भी साइज सेम है, 13 फीट 3 इंच लेंथ है, और विड्थ है 11 फीट। फ्रेंड्स, आज का यही प्लान था 34x48 का। मैं आशा करता हूँ कि यह प्लान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।